पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कवि संगोष्ठी के माध्यम से बचत भवन ऊना में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में 10 कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से श्रद्धांजलि दी और अटल जी द्वारा किए गए कार्यों को अपनी कविताओं के माध्यम से रखा गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी को पूरे देश में लगभग 4000 स्थानों पर कवि सम्मेलन के माध्यम से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जो वाजपेयी ने कर दिखाया है ऐसा आज तक नहीं हुआ है और सभी को साथ लेके चलना ये देश के लिए मिसाल पैदा करके दिखाई थी। नहीं है सामना में उन्होंने कहा था कि मैं जैसे आऊंगा उसी का भाव इस छंद में लाने का प्रयास किया है मैंने। हर एक दिल में दर्द उनका और आंखों में पानी है, कहा फिर लौट के आऊंगा अभी अधूरी कहानी है। उन्हीं की बात पर मैं फिर से इत्मीनान करता हूँ, उन्हीं की बात पर फिर से मैं इत्मीनान करता हूँ, उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता हूँ। नतमस्तक था विपक्ष भी, नतमस्तक था विपक्ष भी, जिनके समक्ष विद्यालय वो अटल रहेगा, विद्यालय वो अटल रहेगा। मान के परिंदों को ना उड़ाया करो, अमनो अमान के परिंदों को ना उड़ाया करो, इंसानियत को रगों में अपनी तुम बहाया करो। रात से काम करने की मशीन में जिसको ढाला जाएगा, काम करने की मरे बारूद की जब फसल हम हर खेत में बो रहे, बारूद की जब फसल हम हर खेत में बो रहे। आज अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लगभग 4000 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे कवि सम्मेलन हो रहे हैं, उसी कड़ी में हम भी ऊना विधानसभा क्षेत्र में जहां पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले जहां अटल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, कहीं पर एक मंथर पूरा होने के ऊपर जो कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित हुआ और उस कवि सम्मेलन में जिन 10 कवियों ने हिस्सा लिया और अटल जी के जीवन के ऊपर और उनकी की गई बातों के ऊपर जिन्होंने प्रकाश डालकर के हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी, उन सभी कविजनों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ऊना से पंकज कतना की रिपोर्ट। मैं अपने गीत गजलों से उन्हें पैगाम करता हूँ।